बच्चों अप्रैल 2022 का पेपर खत्म हो गया, अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो आप ही का पेपर होने वाला है। जी हाँ, समय भी आपके पास बहुत कम है और आपका बैच शुरू हो रहा है जून 2022 से। एक प्रॉपर टाइम चाहिए एक अच्छी स्टडी के लिए, इसलिए आपको ये बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किंतु परंतु करेंगे तो बैच तो स्टार्ट हो जाएगा बट बर्डन आपके ऊपर होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। और इस साल जो आपका अक्टूबर 2022 में आपका एग्जाम है या जो आपका अप्रैल 2023 में एग्जाम है, उन सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं एटम्स की, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो सबसे पहले ना हमारे माइंड में क्या प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले कंफ्यूजन होता है। कौन सा कंफ्यूजन होता है? तो कंफ्यूजन ऐसा होता है कि सर, जो एटम्स होता है और जो मॉलिक्यूल्स होता है, इन दोनों में बड़ा कौन है और दोनों में छोटा कौन है? एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बना है या मॉलिक्यूल से मिलकर एटम बना है? और इसके अलावा जो हम सिंबल्स लिखते हैं, उन सिंबल्स में हम मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं या एटम्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक हम आते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, क्या है केमिस्ट्री। देखिए, आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप देखिए, जैसे फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, जैसे लाइट के बारे में पढ़ना होता है, फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना होता है, ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ना होता है। अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो जो मैटर होता है ना, जो सब्सटेंस होता है, उसमें जो चेंज होता है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं, वही हमारा ब्रांच केमिस्ट्री के अंदर है। तो बहुत बेसिक तरीके सीखेंगे, एकदम बेसिक से आपको लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, तो आप कहेंगे सर मैटर तो वही होता है जो हमने 9th में पढ़ा था। और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैटर वही होता है जिसके पास दो कंडीशन होने चाहिए। क्या क्या कंडीशन? नंबर वन, इसके पास अपना मास होना चाहिए, और नंबर टू, ऑक्यूपाइंग स्पेस। ठीक है, अगर ये दो चीजें इसके पास है तो ये मैटर है, अगर ये दो चीजें इसके पास नहीं है तो ये मैटर नहीं है। राइट, चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, दिख नहीं रहा होगा ये। अगर आप मैटर की बात करते हैं तो भाई मैटर किसको कहेंगे आप? तो मैटर उसी कहेंगे जिसके पास अपना मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। मैटर एग्जांपल कुछ भी आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी, टेबल कुर्सी पेन एयर कुछ भी आप ले लीजिए। तो जो मैटर है ना, ये जो मैटर है, ये मैटर किससे मिलके बना होता है? तो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत टेनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये फर्दर किससे मिलके बने होते हैं? तो और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। क्या है ना कि जब शुरुआत में मैटर को डिफाइन किया गया, उसके बाद बोला गया कि मैटर जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, तो सबको यकीन हुआ कि हाँ यार, छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बना, चूंकि वो दिखता भी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये और इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स। तो जब ये मॉलिक्यूल्स तक बात आई पब्लिक के बीच में साइंटिस्टों के जरिए, तो हुआ ये कि बोले मॉलिक्यूल्स ये तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल से भी छोटा होता है। तो यहां तक की बात हजम हो गई, चलो जी कोई बात नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब साइंटिस्ट लोग रुकते ही नहीं है अपनी रिसर्च को, कंटिन्यू। देखते हैं साइंटिस्ट लोग का एकदम दाढ़ी वाड़ी बड़ा होता है, मतलब उनको दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, फर्दर किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। यानी कि अगर आप इस मॉलिक्यूल्स को भी टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो आपको एटम्स मिलेगा। अब देखिए, जब एटम्स के बारे में बात आया तो सर डाल्टन ने बताया था एटम्स के बारे में। एटम्स का मतलब था एटोमिया, जिसको आगे डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो डाल्टन इतना श्योर हो गए थे कि यार, जो एटम है ना, अब आगे बट ही नहीं सकता है, ठीक, इतना छोटा छोटा बांटते चल रहा है। बोला ना, दिस इज द अल्टीमेट पार्टिकल, अब ये बटेगा ही नहीं। बोले अच्छा, ऐसे कैसे नहीं बटेगा? साइंटिस्ट लोग जो है लगे रहे
और बाद में जाके आप पढ़े हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें ये क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहां पर एक ट्रिक आपको बता देता हूं मैं, और ट्रिक यहां पर ये है, ईट पर नाच, ईट पर नाच, तो ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, टी से थॉमसन हो गया, थॉमसन ने बताया था, पी से आपका प्रोटॉन हो गया, और आर से रदरफोर्ड हो गया, पढ़ेंगे ये सब चैप्टर आप बढ़िया से, रदरफोर्ड हो गया, एन से न्यूट्रॉन हो गया, और ए से चैडविक हो गया, यहां पर चैडविक ने बताया था, चैडविक हो गया यहां पे। तो यहां पर देखिए ये यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां से यहां तक हम आ गए कि भाई जो मैटर है वो इस तरीके से यहां आते 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 यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया, एटम्स क्लियर हो गया। केमिस्ट्री के अंदर देखिए जैसे कि एबीसीडी में ए टू जेड 26 अल्फाबेट होता है, वैसे केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, बहुत बेसिक बता रहा हूं, 118 एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ये दिख नहीं रहा होगा 118, वहां पर लाइट थोड़ा सा आ रहा है, तो 118 मैं इधर साइड में लिख दूं क्या, 118 दिखा नहीं दिखा, चलिए इसके ऊपर ही लिख देता हूं, 118 एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी जो 118 एलिमेंट्स होता है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आप सब जानते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, ये सब जानते हैं आप। तो जो एटम्स होता है उसी को हम लोग सिंगल जब होता अकेले होता तो उसी को हम लोग एटम कहते हैं। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए हम बात करते हैं एच, तो एच को आप क्या बोलेंगे, यहां पर एच क्या कहेंगे इसका, एच को आप क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। लेकिन ये अकेले नहीं पाया जाता है, ये अकेले कभी नहीं पाया जाता, ये हमेशा जो है दो हाइड्रोजन मिलके पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं H2, दोनों का नाम फर्क है, इसको H एटम कहते हैं और इसको H2 मॉलिक्यूल कहते हैं। ये देखिए दोनों के नाम में फर्क हो जाता है, ये H एटम है, ये H2 मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से आप देखिए O और ये देखिए O2, तो इस तरीके से बहुत सारे आप देखते हैं यहां पे जो कि एक मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन अकेला रहेगा तो एटम रहेगा यहां पे। इसके अलावा मॉलिक्यूल और भी कई तरीके का हो सकता है, लेट मी सपोज अगर H2 और O2 को आप मिलाते हैं, इन दोनों को आप मिलाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है H2O, तो इसको भी आप मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा एटम मिले हुए हैं, तो उसको आप मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई, बाकी आपको ये सब मेन चीजें याद रहनी चाहिए, 1 से 20 तक आप याद कर लेना। लेकिन मेन अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि जैसे देखिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम, ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है नी, फ्लोरीन, नियोन। फिर देखिए ये हो गया सोडियम, सोडियम का नाम लैटिन नेम नेट्रियम होता है, तो ये हो गया सोडियम हो गया, ये आपका मैग्नीशियम हो गया, ये आपका एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, है कि नहीं, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो हो गया 11, 12, 13, 14, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, और ये पोटासियम और ये कैल्शियम। ये कुछ सिस्टमेटिक तरीके हैं जो 20 तक आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। ये तो ये बात रह गई, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, जैसे एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में आते रहता है, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या आते रहता है, एक्स्ट्रा में जैसे कि सिल्वर है, तो सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, ये सब आप जानते हैं। गोल्ड हो गया, गोल्ड का क्या होता है, Ae होता है। जिंक का क्या होता है, Zn होता है। जिंक की हम बात करते हैं तो ये Zn हो जाता है आपका। इसके अलावा आप आयरन की बात करते हैं तो आयरन क्या होता है, Fe होता है। अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर क्या होता है, Cu होता है। लेड की बात करते हैं तो Pb होता है, है नहीं। इसके अलावा जो है आप मरकरी की बात करते हैं तो हाइड्रोग्राम Hg होता है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। टीन का Sn होता है, अगर आप टीन का लेते हैं इसका नाम Sn होता है, स्टेनम होता है। तो ये कुछ इसके लैटिन नेम होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, खैर ये सिंबॉलिक तरीके हैं जो हमें मालूम होना चाहिए।
आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लियर करने के बाद जो है अब आपको कुछ SI बेस यूनिट आपको याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी, कितना है टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है। ये फिजिकल क्वांटिटी अगर आप दिमाग से देखिए बहुत आराम आराम से चलेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक जानेंगे। बाकी आप जब लाइव क्लास में ज्वाइन करेंगे तो डिटेल में आपको सारे चैप्टर्स और सारी चीजें करवाई जाएगी। तो देखिए अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, 7 आपको याद रखना है। तो फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला जो आपको याद रखना है, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी आपको याद रखना है वो है लेंथ, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी आपको याद रखना है वो हो गया मास। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो आपको ध्यान रखना है वो होता है टाइम, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्थ जो आपको ध्यान रखना है वो होता है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर होता है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब एक अच्छी बात जो है अगर आप यहां केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी पढ़ते हैं तो इतना बेसिक से पढ़ाया जाता है कि इससे कोई मैटर ही नहीं करता है कि आपको कितना समझ में आता नहीं आता है। जब आप क्लास लेते जाते हैं तो पूरा आपको समझ में आता है। छठी होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट। बाकी आप देखिए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल का, तो उसको आपको केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैथ का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है डेमो क्लास के रूप में। और सेवेंथ में देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन से हैं? लेंथ, मेरे साथ याद कर लो लेंथ, देखिए आपको लेंथ याद रहता है, मास भी याद रहता है, टाइम, ये 3 तो आपको याद रहता है, टेम्परेचर भी वाकिफ है आप, टेम्परेचर यू नो वेरी वेल, तो 4 तो आपको ऐसा ही हो गया। 3 में केवल ध्यान देना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब क्या होता है कि इन सब का SI यूनिट हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इनके आप SI यूनिट पे आते हैं भाई, अगर हम इनके SI यूनिट की बात करें तो इनका SI यूनिट कैसा हो जाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये इनका SI यूनिट है। तो लेंथ को किसमें मापते हैं बताइए, मीटर में मापते हैं कि नहीं मापते हैं? हाँ जी सर मीटर में मापते हैं। मास को किसमें मापते हैं बताइए, किलोग्राम में मापते हैं कि नहीं मापते हैं? हाँ जी सर इसको किलोग्राम मापते हैं। टाइम को बच्चों बताओ किसमें मापते हैं? सर सेकंड में मापते हैं। वेरी गुड, टाइम को हम लोग सेकंड में मापते हैं। और क्या लगता है आपको, टेम्परेचर किसमें मापते हैं हम लोग? सर टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं। सही बात है, टेम्परेचर केल्विन में होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में आप सभी जानते हैं, इसको हम लोग मोल में मापते हैं। और आपको अगर नहीं आता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट किसमें मापते हैं? एम्पियर में। जो आप चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, आप लाइव क्लास में पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और ये कैंडेला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ये कैंडेला होता है। अब देखिए इनका सिंबल्स होता है, इन सब क्या है सिंबल्स है, शॉर्ट में इतना थोड़ी लिखेंगे। तो मीटर को एम में लिख दिया, इसको केजी में लिख दिया, इसको छोटा एस लिख दिया, ये कैपिटल के हो गया, ये केवल एम और एल लिख दो यहाँ पर, एम्पियर केवल ए लिख दो आप कि भाई ये एम्पियर हो गया, और स्मॉल डी सी और डी ये हो गया आपका कैंडेला हो गया। तो ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, यहाँ पर सिंबल्स के साथ में यहाँ पढ़ना है, इनके सिंबल्स SI यूनिट का है ये। तो ये जो है यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी है और इनका ये SI यूनिट है, ये हमने देखा। अब आपको कुछ पढ़ना है प्रीफिक्स के बारे में पढ़ना है। देखिए प्रीफिक्स क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखते हैं, पहले कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग किलोग्राम लिखते हैं, तो ग्राम का भी किलो लगाया ना हमने, तो 10 की पावर कितना जाएगा ये हमें समझना पड़ेगा। और ये हम अगर ध्यान रह जाए तो पूरी केमिस्ट्री में ये आपको हेल्प करेगा, पूरी केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेगा, जितना भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे सब में हेल्प करेगा। तो एक नजर जो है इसको हम लोग जरा देख लेते हैं जल्दी से, इधर मैं मिटा देता हूं, ठीक है ये वाला मिटा देता हूं और ये मिटा के यहां पर हम लोग बनाते हैं। देखिए साथ साथ में पढ़ते चलेंगे, याद होता चलेगा और घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे, बहुत बेसिक से, बेसिक मतलब बहुत बेसिक से चलेंगे, मजा आएगा पढ़ने में आपको।
देखिए प्रीफिक्स में सबसे पहला जो दिया है यहां पर टेरा दिया है, टेरा। अब देखिए टेरा जो होता है उसका सिंबल टी होता है, और ये कब अप्लाई होता है, जब 10 की पावर 12 होता है, मतलब 10 की पावर 12 कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली टेरा बोल सकते हैं, अगर 10 की पावर 12 है तो। समझे ध्यान से। अगला हम नेक्स्ट बात करें तो ऐसे करके मेनमेन में आपको बताता हूं, मेनमेन आप याद रखो, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो मेनमेन बताता हूं आपको, जो ज्यादा इस्तेमाल होगा वो आप ध्यान देना। आपको देखिए इसमें मेगा इस्तेमाल होगा, मेगा जो होता है वो एम से डिनोट करते हैं, और ये 10 की पावर 6 होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए मेगा के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ किलो, किलो तो आप बखूबी जानते हैं, केजी होता है तो के केवल लिखेंगे, बाकी ग्राम जैसे किलोग्राम तो केजी, किलोमीटर तो केएम है कि नहीं, और ये 10 की पावर 3 हो जाता है आपका। इसके अलावा आप सीधे याद रखेंगे माइक्रो, मेन मेन बता रहा हूँ केवल आपको, बाकी आप सिलेबस बुक में देखना। माइक्रो स्मॉल एम होता है, नहीं स्मॉल एम नहीं, इस तरह का माइक्रो होता है, ये ऐसा सिंबल माइक्रो का रहेगा, और ये 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। इसके अलावा आप नैनो और पी को जरूर याद रखना, नैनो जो होता है एन होता है 10 की पावर -9, और जो पी को होता है बच्चों वो हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं 10 की पावर -12। तो जैसे मान के चलिए कोई डाटा हमारे पास लिखा हुआ, कोई भी डाटा लिखा हुआ, जैसे मान के चलिए कैसे बोल सकते हैं आप इसको, पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 पिकोमीटर, 7 पिकोमीटर लिखा हुआ है, तो 7 पिकोमीटर का मतलब 7 × 10 की पावर -12 मीटर, ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। या मान के चलिए नैनोमीटर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है मान 8 × 10 की पावर -9 मीटर लिखा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8 नैनोमीटर, बड़े आराम से आप 8 नैनोमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका यूज आगे होने वाला है आपका, तो ये मेन मेन है जो मैंने बताया, बाकी आप अपने देख लीजिएगा उसमें जो भी आपको देखना होगा। बाकी मोल वाला है तो मोल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे भी तो मोल का मैं वीडियो उसमें डाल दूंगा, मोल मैंने बता रखा है। तो मोल वाला जब आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल तरीके से मैंने बताया, वहां भी आपको मजा आएगा पढ़कर, बहुत मजा आएगा, लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये स्टार्टिंग के कुछ चीजें मैंने आपको बताई, मोल वाला मैंने आपको बताया। तो ये क्या है कि बीच बीच में मैं आपके लिए एज ए डेमो क्लास के तौर पे ये चीजें लाता रहता हूँ, बाकी ये चैप्टर में पूरा करवाऊंगा, डोंट वरी, इसका नेक्स्ट चैप्टर भी, सेकंड चैप्टर भी पूरा करवाऊंगा मैं आपको। इससे पहले ही वीडियो अपलोड है पर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से मुझे फिर से इसको आना पड़ा। तो आप लोगों को क्या है कि अगर आप पूरा सिलेबस चाहते हैं कि सर पूरा सिलेबस हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर केवल आप ही का पढ़ा हुआ समझ में आता है, कुछ ऐसे भी कहते हैं सर हम तो बहुत 10 साल हो गया 12 साल हो गया हमने तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया था, लेकिन कुछ वजह से हमें फॉर्म वगैरह भरना है। तो आपका जब मैंने देखा तो एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो गई। या बहुत सारे अलग स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, कॉमर्स वगैरह का होते हैं, तो वो भी जब आते हैं तो वो भी उनको सारा क्लियर हो जाता है। तो आप जब केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो केमिस्ट्री का मैंने बेसिक वीडियो डाल रखा है, 3 बेसिक वीडियो डाल रखा है, फिजिक्स का भी बेसिक वीडियो डाल रखा है, मैथ का भी बेसिक वीडियो डाल रखा है, उसको आप जरूर देखें। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे लिंक में मैं आपको मॉल वाला दूंगा, वो भी आपको वहां पर जाकर देखिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर बाइंड अप करता हूँ और मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।